हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। तो जी हां, अगर आप हरियाणा के किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक सलाइक करें और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, आप कहां से देख रहे हैं। और एक शिकायत है, वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो पर ना ही लाइक करते हो ना ही वीडियो को शेयर करते हो। आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। किसानों के चेहरे खिले, जुलाई में पंजाब और हरियाणा में हुई है अधिक बारिश। इस बार मानसून की बारिश से पंजाब हरियाणा के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इसकी वजह दोनों राज्यों में अधिक बारिश होना। जून के मुकाबले जुलाई में पंजाब में 235 और हरियाणा में 229 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। अच्छी बात यह है कि सितंबर तक रहने वाले मानसून सीजन में पंजाब में 490 और हरियाणा में 440 mm तक बारिश होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। 66,000 बच्चों का एक साल बचाने के लिए बोर्ड ने सभी यूनिवर्सिटी को लिखा पत्र, प्रवेश तिथि बढ़ाने की मांग। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में कंपार्टमेंट आने से परेशान विद्यार्थियों के लिए बोर्ड चेयरमैन ने इनका एक साल बचाने के लिए परिणाम जल्दी घोषित करने की तैयारी कर ली है। साथ ही देश भर की यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर कॉलेजों की प्रवेश तिथि बढ़ाने की मांग की है। यूनिवर्सिटी ही नहीं, ITI की तिथि बढ़ाने के लिए भी पत्र लिखा गया है। ITI दाखिला आवेदन शुरू, 12वीं पास को मिलेंगे 5% अतिरिक्त अंक। हरियाणा सरकार के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से युवाओं को रोजगार परक पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार दाखिला एवं प्रशिक्षण पाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल ITI हरियाणा admission.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। डिप्टी CM की मौजूदगी में पंचायती चुनाव को लेकर जजपा ने किया मंथन, दिए आवश्यक निर्देश। हरियाणा के सिरसा में जजपा के पंचायती राज प्रकोष्ठ व जनरल बॉडी के सभी जिलाध्यक्षों की संयुक्त बैठक डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में मंगलवार को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुई, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी मौजूद रहे। 3 दिवसीय होगा मानसून सत्र, राष्ट्रगान से होगी शुरुआत, राष्ट्रगीत से होगा खत्म। हरियाणा विधानसभा का 8 अगस्त से शुरू होने वाला मानसून सत्र नई परंपराओं के आगाज के साथ बड़े बदलाव का भी साक्षी बनेगा। 3 दिवसीय सत्र की पूरी कार्यवाही ई विधान से चलेगी। यह पहला डिजिटल सत्र होगा। कार्यवाही राष्ट्रगान से शुरू होकर राष्ट्रगीत के साथ संपन्न होगी। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से हरियाणा में आज और कल बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे कम दबाव का क्षेत्र व मानसून टफ सामान्य स्थिति में बने रहने के कारण इस मौसमी सिस्टमों से मानसून की सक्रियता हरियाणा में 3 अगस्त तक बने रहने की संभावना है, जिससे वर्षा होने की संभावना बन रही है। हरियाणा के पानीपत में तालाब में नहा रहे 3 दोस्त डूबे, तीनों की मौत, परिजनों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। हरियाणा के पानीपत के गांव गढ़ सरनाई में मंगलवार तालाब में नहाने गए 3 दोस्त डूब गए, तीनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। इस घटना की सूचना मिलते ही ASP विजय कुमार मौके पर पहुंचे। हाईकोर्ट ने कहा NDPS के मामलों में 180 दिन में पूरी हो जांच, तीनों प्रदेशों के DGP सुनिश्चित करें। तो NDPS के एक मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ के DGP को NDPS के मामलों की जांच 180 दिन में पूरी हो यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। फतेह जी हाँ, ये हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन। धन्यवाद जय।